धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे, जहाँ पे लांझान और विंगजुनाथ दोनों अलग अलग चीज़ से आते थे। बोले तो हमारा लांझान जो कार से आता था और विंग बाइक से, क्योंकि विंग को बाइक से आना बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा इसके कारण वो बाइक से आता था। और विंग जो है ना हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा वो जो ना एफर्ट लगा रहा था, उसे घर के सारे काम करना, बोले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, गार्डन एरिया का भी ख्याल रखना, वो सारी चीज़ें। वो किचन में भी तो जाना चाहता था, विंग ने सीख लिया था अब खाना बनाना क्योंकि शक्शन ने उसे सिखा दिया था। बट हमारा जो मैडम लैन थी ना, वो विंग को जो ना खाना बनाने से मनाई कर देती थी क्योंकि उन्हें डर लगता था कि विंग किचन को उड़ा देगा करके, इसलिए जो है ना तो विंग को थोड़ा तो बुरा लगता था। बट कोई नहीं, विंग हैंडल कर लेता था, कोई नहीं। जहाँ पे जो है ना विंग हमेशा जो लांझान से कहता था कि उसे बाहर जाना है करके, वो अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, अपने दोस्त के साथ घूमना चाहता है करके, बट लांझान हमेशा विंग से कहता था कि 9 बजे के बाद जो ना हमारे घर से कोई बाहर नहीं निकलता है करके, और डैड ने परमिशन नहीं दी है। विंग के सामने बहुत सारी चीज़ें लांझान कहता था और विंग को जो ना बहुत ज़्यादा अजीब लगता था क्योंकि आज से पहले जो ना उसे किसी ने रोक टोक नहीं की थी और विंग ने ये एक वीक में सारी चीज़ें जो ना महसूस की थी, और विंग को ये बहुत ज़्यादा ना अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और विंग पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन से जो ना वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकता था, वो लांझान से भी नहीं कह सकता, ना ही किसी से भी कुछ भी कह सकता था वो। इसलिए जो ना वो सोचता है कि आज वो अपने भाई से बात करेगा करके, बट उसे पता चलता है कि उसका भाई जो है ना हनीमून के लिए बाहर गया है, तो वहाँ पे तो वो उसे अपने भाई को हनीमून पे डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता है ना। इसलिए जो है ना वो सोचता है कि क्या वो लांझान को लेकर हनीमून के लिए चला जाए। ऐसे जो है ना हमारा विंग सोचता है, और विंग जो है ना लांझान से बात करता है हनीमून के लिए, तो लांझान कहते हैं ठीक है हम चलते हैं करके। जिसके बाद जो है ना हमें वुशियान और वांगजी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो लोग जो ना 7 दिन तक अपना हनीमून को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। यहाँ वहाँ घूमना, अपनी इंटीमेसी को बिताना, वो सारी चीज़ें करने के बाद जो ना वो लोग जो ना अपने कमरे में आ जाते, बोले तो अपने घर आ जाते, जहाँ पे विचान से विकांक्षा सरन जो है ना बहुत ज़्यादा खुश थी, वो लोग वापस आ चुके थे। तो जो है ना तो हमारे विचान से और कांक्षा सरन जो ना उन लोगों का अच्छे से वेलकम करती है, और वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीली टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ पे हमारे भूषा ने बहुत सारी चीज़ें लाई थी जो है ना अपने मम डैड को देती है, और जिसके बाद जो ना वो कहते हैं कि हम कल जो है ना लैंड मेंशन में जाएंगे करके, मैंने उन लोगों के लिए भी चीज़ें लाई है करके, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना वो लोग मान जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं खाना, और भूषण और हमारा वांगजी जो ना अपने कमरे में आके जो ना सो जाते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे भूषण और वांगजी जो है ना लैंड मेंशन में जाने के लिए निकल चुके थे। जहाँ पे वो लोग पहुँच चुके थे, पहुँचने के बाद जो है ना अभी जो ना 9 बज रहे थे, इस टाइम पे जो ना हमें हमारा विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना गार्डन एरिया में जो ना सारे लोगों को इन फूलों को ऐसे रखना, ये करना, वो सारी चीज़ों को समझा रहा था, और जैसे हमारा विंग कह रहा था। बट विंग ने जब देखा कि वहाँ पे कार आ चुकी है, तो विंग दौड़ते हुए जल्दी से उस कार के पास आया, और वो अपने भाई को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और वो जाके जो ना अपने भाई को हक करता है और कहता है गगा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा जो है ना भूषण कहता है ओ माई गॉड मेरे लिटिल ब्रदर ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया, तो हमारा भूषण कहता है हाँ गगा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, और अपने गगा को देखते हुए आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हो गगा, आप इतने ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट लग रहे हो बनी की तरह। जहाँ पे जो है ना भूषण एक स्माइल करता है, ओ तुम भी तो लग रहे हो ना, जहाँ पे हमारा विंग जस्ट एक फेक वाली स्माइल करता है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना भूषण कहता है कि चलो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है, तो भूषण कहता है सच में आपने मेरे लिए गिफ्ट लाया है, तो भूषण कहता है हाँ मैंने तुम्हारे लिए लाया है, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना वो लोग अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद जो है ना सभी लोग जो है ना भूषण और वांगजी को देखे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो जाके जो है ना बातें करते हैं, और भूषण को हक किया जाता है, और हमारे वांगजी को भी हक किया जाता है। जहाँ पे वो अपने बेटे को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं सारे लोग, और लांझान भी आ चुका था, और लांझान भी जो है ना अपने भाई को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद जो है ना भूषण और हमारा वांगजी जो ना गिफ्ट दिखाते हैं, और सभी लोगों को गिफ्ट दिए जाते हैं। जहाँ पे विंग भी अपने गिफ्ट को देखने के बाद कहते हैं ओ माय गॉड आपने लेदर वाली जैकेट लगी है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है भाई, ऐसे कहता है। जहाँ पे भूषण कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और भूषण जो है ना अपने भाई को कस के हक करता है, और ऐसे ही जो ना वो लोग बातें करते जा रहे थे। जिसके बाद जो है ना खाना खाने का टाइम आता है, जहाँ पे जो है ना भूषण मिसेज लैन की मदद कर रहा था खाना बनाने में, तो जो है ना हमारा विंग भी आता है और कहता है मैं आपकी मदद करता हूँ, ऐसे कहता है। बट मिसेज लैन कहते विंग रहने दो, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग को ये सुनने में थोड़ा सा बुरा लगता है, जहाँ पे भूषण कहते विंग रहने दो, ऐसे भी तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है ना, मैं जानता हूँ तुम्हें इतनी ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे विंग अपने भाई के मुँह से भी ये सुनता है ना, तो उसे भी थोड़ा सा जो ना बुरा लगता है। विंग कहते नहीं भाई मुझे खाना बनाना आता है। जहाँ पे भूषण कहते विंग तुम छोटे हो, तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी समझ गए ना तुम्हें अपनी लाइफ को फ्रीली जीना चाहिए। तो विंग अपने भाई को हक करता है और कहता है भाई सच में आप मुझे समझते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना हमारा बोले तो क्या नाम है उनका, हाँ
तो मैडम लैन जो है ना विंग की ओर देखती है और भूषण की ओर देखती है। जहाँ पे भूषण कहता है कि जाओ जाओ मैं खाना बनाने में मदद करता हूँ। इसके बाद जो ना वो लोग खाना बनाते हैं और खाना खाने के लिए जो ना टेबल पे लगा दिया जाता है, जहाँ पे सारे लोग जो ना मिलके खाने को इंजॉय करते हैं। जहाँ पे भूषण की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी क्योंकि भूषण ने बहुत अच्छे से खाना बनाया था, इसलिए तो विंग को थोड़ा सा जो ना अजीब फील होता है कि वो भी तो खाना बना सकता है, उसने तो सीखा है इतने टाइम तक बोले थे शाओशिजन के साथ जाके खाना बनाना सीखा है, बट उसके खाने बनाने की कोई कदर नहीं बिल्कुल भी नहीं। भूषण भूषण विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग का फेस तो थोड़ा सैड लग रहा था। जहाँ पे भूषण जो ना नीचे से जो ना विंग को एक पैर मारता है, जिसके कारण जो है ना विंग अपने भाई की ओर देखता है। जहाँ पे भूषण इशारों में कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना भूषण और वांग जी वहाँ से जा रहे थे, तो जो ना विंग कहता है भाई मुझे आपसे बात करनी है। जहाँ पे जो है ना भूषण कहता है ठीक है, और भूषण और विंग जो ना कमरे में आ जाते हैं। जहाँ पे भूषण कहता है क्या हुआ है विंग, क्या बात करनी थी, क्या हुआ है, तुम्हारा फेस भी वैसे उतरा हुआ लग रहा है। जहाँ पे विंग कहता है भाई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वो कहता है क्या मुश्किल है विंग, तो विंग कहता है सारी चीज़ों का ख्याल रखना, मैंने यहाँ से पहले ये सब किया नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल, मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता, उठने के बाद जो है ना सारे गार्डन का सारे रूम्स का क्लीनिंग हुआ नहीं, क्या हुआ क्या कर रहे हैं, सबको कब किस टाइम पे पेमेंट करना है, वो सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है भाई। जहाँ पे भूषण कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट तुम जस्ट कोशिश करो, तुमसे होगा। विंग कहता है भाई मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बट मुझे बहुत वीर्ड लग रहा है भाई, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। ऐसा क्यों भाई, मैं तो डैड के साथ जब भी रहता था, मैं डैड से सिर्फ एक शब्द कहता था, मुझे डैड तो कहीं पर भी जाने देते थे, बट यहाँ पर ऐसा है ना भाई कि मुझे कितने बार भी पूछो बट कोई परमिशन नहीं देता कहीं पर भी जाने की, और अगर उनको पता चले कि मैं पब में जा रहा हूँ तो बिल्कुल भी नहीं भाई। क्यों ऐसा, मैं कहीं जा क्यों नहीं सकता भाई, क्यों मुझे किसी की परमिशन लेना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया है भाई। तो वो शन कहता है विंग वो तुम्हारा घर था, ये तुम्हारा घर नहीं है। तो विंग कहता है तो क्या है, तो वो शन कहता है विंग ये तुम्हारा मायका है, आई मीन टू से ससुराल। जहाँ पे जो है ना विंग कहता है भाई मुझे भी तो घूमना है, मैं भी तो जाता हूँ ना, तो वो कहते नहीं कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। बट विंग कहता है बट मुझे लगता है कि भाई मैं इस आदत के चक्कर में मैं खुद बदलते जा रहा हूँ। तो भूषण कहते मतलब क्या है विंग तुम्हारा, तो विंग कहता है मैं कहीं जा नहीं सकता फ्रीली, कहीं से बात नहीं कर सकता, अपने दोस्तों के साथ ठीक से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी, जिससे पहले करता था कुछ भी नहीं, और लांसन से जब भी बात करता हूँ मुझे कहीं जाना है करके, तो लांसन भी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता है भाई, तो मैं बात करता हूँ, ऐसे भूषण कहता है। और भूषण विंग के सर पे टैप करता है और कहता है कि खुद का ख्याल रखो और धीरे धीरे जो है ना तुम एडजस्ट हो जाओगे करके। तो विंग स्टिल कहता है कि ठीक है भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना भूषण विंग से कुछ टाइम तक बातें करता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर लांसन आता है कमरे में, और लांसन कमरे में आने के बाद जो है ना विंग को देखता है, और विंग को जो है पीछे से जाके बैक से हक करते हुए कहता है कि हम भी चलते हैं विंग, तो विंग कहता है हाँ हम भी जाएंगे हनीमून के लिए। तो लांसन कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और विंग कहता है ठीक है फिर मैं हम परसों चलेंगे, तो लांजा कहता है क्यों कल नहीं जा सकते, तो विंग कहता है नहीं परसों जाएंगे, तो लांजा कहता है ठीक है। और लांजान जो है ना विंग के जो बैक पे किस करता है, बोले तो नेक पे किस करता है, क्योंकि लांजान जो ने जो है ना बैक से उसे हक करके रखा था ना, इसलिए जो ना लांजान जो बैक से विंग को जो ना किस करना स्टार्ट कर दिया। और विंग कहता है लांजान क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, जहाँ पे लांजा कहते विंग मैं जस्ट तुमसे प्यार कर रहा हूँ, और वो विंग के जो है नेक पे फिर से किस करना स्टार्ट कर दिया, सक करना स्टार्ट कर दिया। और विंग जस्ट मॉर्निंग करते जा रहा था, और लांजान फिर से विंग के साथ जो ना उस टाइम पे भी इंटीमेट हो जाता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे लांजान और विंग जो ना अब विंग ने अपने काम फिनिश करने के बाद जो ना वो निकल चुका था, विंग आज ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था, वो विंग जल्दी से निकल चुका था अपने घर से। लांजान जो है ना फ्रेश होके जो ना वो जस्ट नीचे आ चुका था, और वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए विंग का इंतजार कर रहा था, बट मिस लैन कहती है कि विंग तो कब का जा चुका है करके, और विंग जा चुका था। और जो है ना लांजान को जो ना लांजान भी निकल जाता है और कॉलेज में पहुंच चुका था। कॉलेज में पहुंचने के बाद जो ना विंग के दोस्त जो थे ना वो जल्दी जल्दी जो ना कहीं पे जा रहे थे। जहाँ पे लांजान कहते हैं विंग कहाँ है, तो जहाँ पे न्यूसान था वो लांजान कहते हैं न्यूसान विंग कहाँ है, तो न्यूसान कहते क्या आपको नहीं पता, तो जो है ना हमारा लांजान कहते नहीं। जहाँ पे जो है ना न्यूसान बताता है कि विंग का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया करके, तो लांजान पूरा डर जाता है। लांजान जो है ना कहते कि कहाँ, और लांजान कहते कि मुझे तुम अपने साथ लेके चलो, तो वो लोग जो ना हमारे लांजान को अपने बाइक पे बिठा के लेके चलते हैं। जहाँ पे विंग जो ना हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, जहाँ पे विंग को जो है ना छोटे से हाथ में चोट लगी थी और छोटे से सर में चोट लगी थी। जहाँ पे विंग अपनी चोट को देखते हाँ
ये आज ही होना था मेरे लिए, मैं तो कल हनीमून के लिए जाना वाला था और ये आज ही हुआ है मेरे साथ, ऐसे जो ना विंग कह रहा था। और तभी जो ना विंग के दोस्त और लांधन भी आता है, और लांधन आते हुए कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना, तो विंग लांधन को देती, वहाँ पे शौक था। बट विंग कहते हाँ मैं ठीक हूँ। और गाइस तुम लोग क्यों आ गए, मैंने कहा ना मैं छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मैं एक छोटी सी बच्ची को बचा रहा था इसके कारण। तो वो कहते हाँ ठीक है तुम ठीक हो ना विंग, तो विंग कहते हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जो ना मैम भी वहाँ पे आती है, और मैम नहीं वहाँ पे वेंचिंग आती है, और वेंचिंग कहते हैं विंग तुम सच में ठीक हो ना, तो विंग कहते हाँ वेंचिंग तुम देख लो तुम भी तो एक डॉक्टर हो ना। तो वेंचिंग जो ना विंग को चेक करती है और कहती हाँ तुम ठीक हो। और पागल इंसान तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाइक को इतना तेज मत चलाया करो, तो विंग कहते मैं धीरे से चला रहा था, मैं जस्ट उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो वेंचिंग कहते ओके ओके कोई बात नहीं। और लांधन जस्ट विंग को देखता है और कहते विंग तुम आज से बाइक नहीं चलाओगे। विंग क्या, तो लांधन कहते विंग तुम आज से बाइक नहीं चलाओगे, तुम इतने ज़्यादा स्पीड में बाइक चलाते इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आता था, और आज देखो तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। तो विंग कहते लांधन तुम क्या कर रहे हो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लांझन कहते हैं मैंने कहा तुम बाइक नहीं चलाओगे, तो विंग कहते हैं लांझन, और विंग अपने दोस्तों की ओर देखते, जहाँ पे दोस्त देख रहे थे, जहाँ पे विंग अपने दोस्तों की ओर देखते गाइस हम बाद में बात करें, तो उसके दोस्त कहते ठीक है। और जो है ना वहाँ से विंग के दोस्त जो है ना सब लोग बाहर चले जाते हैं, जहाँ पे विंग कहते लांझन क्या कह रहे हो, मेरे दोस्त के साथ ऐसे किसी बात कर सकते हो तुम, तो लांझन विंग आज तुम्हें कुछ हो जाता तो विंग कहते कुछ हुआ तो नहीं है ना, तुम क्यों इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, सब कुछ ठीक है और मैं खुद को हैंडल कर सकता हूँ। तो लांझन कहते कैसे, आज तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका था तुम कैसे हैंडल कर लेते हो विंग। जहाँ पे विंग कहते लांझन तुम इतना टेंशन मत लो, मैंने कहा ना मैं एक छोटी सी बच्ची को बचा रहा था इसके कारण ये सब हुआ है। तो लांझन कहते विंग अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, तो विंग कहते लांझन तुम टेंशन मत लो सब कुछ ठीक है। और लांझन और विंग कुछ टाइम तक ऐसे ही बहस करते हैं, जहाँ पे लांझन कहते नहीं मैंने कहा ना तुम बाइक नहीं चला सकते मतलब नहीं चला सकते। तो विंग जस्ट लांझन को गुस्से से देखता है और कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी जाओ यहाँ से, ऐसे विंग कह देता है। और विंग जो है ना लांझन को इग्नोर करता है, जहाँ पे लांझन जो है ना विंग को उठाता है, उठाते हुए जो ना वो बाहर लेके आते हैं। विंग कहते क्या कर रहे हो तुम, जहाँ पे विंग के दोस्त जो थे ना वो बाहर ही खड़े थे और विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहते छोड़ मुझे छोड़ो ऐसा मत करो, जहाँ पे विंग कहता है लांझन कहते नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर से उस बाइक पे जाओगे इसलिए जो ना मैं तुम्हें घर लेके जा रहा हूँ। और विंग को जो है ना हमारा लांझन ज़बरदस्ती से घर में लेके आ जाता है। आने के बाद जो है ना हमारा विंग तो लांझन पे गुस्सा था, वो मुंह फुला के जो ना अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पे मिसेज लैंड देखती है कि विंग के फोरहेड पे जो चोट लगी है करके और उसके हाथ में भी चोट है करके, तो वो लांझन से पूछती कि उसे क्या हुआ है करके। तो लांझन कहते हैं कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो मिसेज लैंड कहते कैसे, और वो जो है ना विंग के पास आती है विंग के कमरे में, जहाँ पे विंग तो मुंह फुला हुए बैठा होता, जब वो मिसेज लैंड को देखता है ना वो थोड़ा खड़ा हो जाता है, कहते मॉम क्या हुआ है आप यहाँ पे अचानक से। तो मिसेज लैंड कहती है कि विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना। तो विंग कहता नहीं नहीं मॉम मैं ठीक हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी मिसेज लैंड कहते थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ऐसे कहती है। और जो ना विंग को कहती है कि तुम रेस्ट करो घर के, तो विंग हमें सिर लाता है और मिसेज लैंड वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो ना लांझन कमरे में आता है और विंग से बात करने की कोशिश करता है, बट विंग उसे इग्नोर करता है, इग्नोर मार देता है पूरी तरह से। जिसके बाद लांझन कहते विंग मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ सब कुछ चीज़ें, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, अगर तुम फिर से बाइक चलाओगे तो। विंग कहता है मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी प्लीज़ लीव मी अलोन, ऐसे कहता है। और लांझन जब ये सुनता है ना तो लांझन को थोड़ा गुस्सा आता है और कहते विंग तुम क्या कह रहे हो, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। तो विंग कहता हाँ ठीक है मैं ही इस कमरे से चला जाता हूँ ये ठीक रहेगा ना, ऐसे कहता है। और लांझन कहते विंग तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। विंग कहता है प्लीज़ लांझन मुझे कुछ टाइम अकेला चाहिए, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांझन कहते हैं ठीक है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने भाई से कॉल पे बात करते हैं, जहाँ पे वो अपने भाई से बताता है कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था करके, और लांझन चाहता है कि वो बाइक ना चलाए करके। तो वो शान कहता है कि तो लांझन सही कह रहा है विंग कि तुम्हें बाइक नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। विंग कहता है भाई आप जानते हो मैं 10 सालों से बाइक चलाते आ रहा हूँ। जहाँ पे जो है ना वो शान कहता है नहीं 5 सालों से। तो विंग कहता है भाई वैसा ही समझ लीजिए वो 10 साल हो चुके हैं मेरे लिए। जहाँ पे जो वो शान कहता है कि विंग अगर लांझन चाहता है तो कर लो ना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो कर सकते हो ना, वैसे भी तुम कार से जाओगे तो तुम्हारे लिए सेफ्टी होगी ना। तो विंग कहता है भाई आप भी। तो भूषण कहता है विंग ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो विंग कहता है ठीक है आप जैसा कहो भाई, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना शांत हो जाता है और उसके भाई ने जैसा कहा वो वैसा मान लेता है। जिसके बाद जो है ना विंग धीरे धीरे जो ना वांग जी जो कुछ भी कहता है ना वो उसकी बातें मानता जाता था, और विंग इससे इन सारी चीज़ों से जो ना बहुत ज़्यादा उदास होते जा रहा था बहुत ज़्यादा ही। वांग जी कहता कि हम कार से चलते तो कार से जाया जाता था, वांग जी विंग को जहाँ लेके जाता था विंग वहाँ जाता था। और वांग जी ने जो है ना हनीमून पे जाने का प्लान भी कैंसिल कर लिया था, क्योंकि जो ना वो अपने फादर की हेल्प करना चाहता था इसी के कारण। तो विंग ने जस्ट हम कहा था वांग जी ने हमारा विंग और लांझन की बात कर रही हूँ मैं,
अंजन ने सारी चीज़ों को कैंसिल कर दिया था और विंग जस्ट ठीक है तुम्हें जो ठीक लगे वो वही कहता था, क्योंकि विंग को समझ में आ चुका था कि यहाँ पे जो ना उसे जस्ट इन लोगों की बातें माननी होगी करके, यहाँ पे उसकी बातें कोई भी सुनने के लिए है ही नहीं करके, उसे कोई उसके जो ना क्वेश्चन पूछने वाला ही नहीं है करके, इसलिए जो है ना विंग जस्ट वांग जी की लांजन की जो ना हर बातें मानता था। और जो है ना हमारा लांजन विंग से बातें करता था और लांजन विंग से प्यार भी करता था, वो उससे प्यार से हमेशा बातें करता रहता था और उससे पूछता था कि क्या तुम कहीं पे बाहर चलना चाहते हो या नहीं, बट विंग हर बार नहीं में सिर हिलाता था। और विंग कॉलेज भी जाता था बट अपने दोस्तों से बातें नहीं करता था बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे उसके दोस्त जो ना विंग से बातें करने के लिए आते ज़रूर थे बट विंग जैसे हाँ बोलो ठीक है कहो क्या कहना चाहते हो, वो इन सारी चीज़ों में जवाब दे रहा था। जहाँ पे उसके दोस्त बताते हैं कि विंग तुम्हें पता है ना कुछ टाइम के बाद तुम्हारे बाइक का बर्थडे आने वाला है, तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट उसके दोस्त कहते विंग तुम हमेशा जो अपने बाइक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हो इस बार भी करोगे ना, तो विंग जस्ट सर जो ना नीचे कर देता है जहाँ पे उसके दोस्त पूछते भी है, बट तभी जो ना लांजन उसे आवाज़ देता है जहाँ पे विंग चुपचाप से चला जाता है और विंग जाके जो ना कार में चुपचाप से बैठ जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त जो ना विंग को ऐसे सैड बोले तो किसी के जो ना हुक्म मानते हुए देखे वो लोग सभी लोग शॉक थे। और हम विंग घर में आता है, घर में आने के बाद जो ऐसा विंग को फ्रेश होने के बाद जो मैडम लैन का सपोर्ट करना पड़ता था और मैडम लैन ने अब विंग को किचन में आने की इजाज़त दे दी थी, जहाँ पे विंग जो है ना उसने जो कुछ भी सीखा था ना वो उनको बना के दिखाता था, बट मैडम लैन को इतना ज़्यादा जो ना वो चीज़ें पसंद नहीं आती थी क्योंकि विंग स्पाइसी बनाता था ना, इसके कारण विंग ने नॉन स्पाइसी भी बनाने की कोशिश की थी बट विंग से उतना नहीं हो पाया था क्योंकि विंग हर बार जो ना स्पाइसी ही बना देता था। और विंग ने कोशिश करने के बाद दो बार जो ना उसने नॉन स्पाइसी डिश बनाई थी बट उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, तो विंग को इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और लांजन आता था और विंग को समझाता था कि ऐसा तो होता ही रहता है कि कोई बात नहीं तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करना करके, तो विंग जस्ट हूँ कहता था। और विंग धीरे धीरे जो ना पूरे चेंज होते जा रहा था और सारे लोग जो ना नोटिस नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं नोटिस कर रहा, जस्ट विंग के दोस्त जो वो नोटिस कर रहे थे कि विंग चेंज हो रहा है करके, क्योंकि विंग तो पहले ऐसा नहीं था ना, विंग किसी की ज़्यादातर बात नहीं मानता था बिल्कुल भी नहीं। और विंग के जो फेस की स्माइल भी जो थी ना वो फेक होती जा रही थी क्योंकि विंग पहले जैसे चेयरफुल स्माइल करता था वैसा कुछ भी नहीं था बिल्कुल भी नहीं, जस्ट विंग दिखावे के लिए स्माइल करता था लांजन के सामने हो या फैमिली के सामने हो सभी के सामने। और लांजन भी थका होने के कारण जो ना विंग की इन सारी चीज़ों को देख नहीं पा रहा था। लांजन आता था, विंग को प्यार करता था, छोटा सा किस करता था और उसको जो ना हक करते हुए सो जाता था और विंग के साथ बातें करता था, क्योंकि लांजन ऑफिस से काम करते हुए बोले तो जो ना कॉलेज जाता था, कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद वो अपने डैड की जो ना कुछ टाइम तक थोड़ी देर तक जो ना 3-4 घंटे तक मदद करता था, जिसके बाद वो सीधा डिनर पे मिलता था। डिनर पे मिलने के बाद जो ना वो खाना खाने के बाद वो लोग कमरे में जाते थे और वो विंग को फोरहेड पे किस करते हुए उसे हक करते हुए जो ना सो जाता था। और विंग इस लाइफ को जो ना 2 महीनों से जो ना जी रहा था, और विंग जब इस 2 महीने की लाइफ में ऐसे जी रहा था ना, विंग को महसूस हो रहा था कि ये कितनी घुट घुट के जीने वाली लाइफ है करके, उसे पूरा जो ना घुट घुट के जीना ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पास तो उसके खुद के राइट्स है ही नहीं। विंग को महसूस हो रहा था कि वो इन लोगों की इजाज़त के बगैर जो ना कहीं जा नहीं सकता, इन लोगों की इजाज़त के बगैर वो अपनी बाइक तक को नहीं चला सकता, खुद की बाइक तक को नहीं चला सकता है, विंग को ये महसूस हो रहा था। जहाँ पे धीरे धीरे जो ना विंग को ये सारी चीज़ें जो ना घुटन जैसी महसूस हो रही थी, और विंग की जो फेक स्माइल थी ना वो अब फेक स्माइल भी जा चुकी थी। विंग जस्ट सीरियस हो चुका था, वो ना किसी से देखे स्माइल करता था ना कुछ भी, जस्ट वो शांत रह के जो ना खाना पीना वो सारी चीज़ें करता था। और लांजन उसे पूछता भी था विंग तुम्हें क्या हुआ है तुम मुझे बता सकते हो, बट विंग स्टिल शांत रहता था, वो कुछ भी नहीं कहता मैं ठीक हूँ करके, कुछ भी नहीं हुआ है करके, जस्ट मूड ख़राब है ऐसा विंग बोल देता था और लांजन सिर्फ मान लेता था। और विंग लांजन के साथ रोज़ कॉलेज जाता था, वो सारी चीज़ें जो है ना लांजन के साथ वो करता ज़रूर था, कॉलेज जाना घूमना फिरना वो सारी चीज़ें, बट विंग की जो स्माइल थी ना वो जा चुकी थी। 2 महीने के बाद जो ना भूषण और वांगजी घर में आते हैं, जहाँ पे वांगजी और भूषण आ चुके थे। आने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने डैड और मॉम से मिलते हैं, जहाँ पे भूषण को बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। जहाँ पे विंग और लांजन भी घर में आते हैं, जहाँ पे वो विंग जब अपने भाई को देखता है ना, जैसे विंग पहले खुश था, खुश अपने भाई को देखने के बाद जो खुश हो जाता था ना, वैसे विंग खुश नहीं था। वो अपने भाई को देखता है और जस्ट ग्रीट करता है ना कि हक करता है, जहाँ पे भूषण को थोड़ा अजीब लगता है, बट भूषण कहता है कि कोई बात नहीं मेरा भाई थक चुका होगा करके, इसलिए जहाँ पे विंग जो सभी लोगों को ग्रीट करने के बाद जो ना डायरेक्ट अपने कमरे में चला जाता है, बट लांजन वहाँ पे अपने भाई को देखे वो उनसे बातें करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग अपने कमरे में आता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद जो ना उसे कॉलेज से जो स्टडी मिली थी विंग उन स्टडी को कंप्लीट करता है। उन कंप्लीट करने के बाद जो ना वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो ना किचन एरिया में चला जाता है, वो सभी लोगों को वहाँ पे बातें करने के लिए छोड़ चुका था और विंग डायरेक्ट किचन एरिया में जाता है और खाना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वो खाना प्रिपेयर करने के बाद जो है ना वो डिनर टेबल पे भी लगा देता है, जिसके बाद जो है ना
विंग जस्ट वहाँ पे आता है और कहता है कि खाना रेडी हो चुका है करके, और सभी लोगों का आने के लिए कह देता है। जहाँ पे भूषण जब विंग की जो ना इतनी कोल्ड आवाज़ सुनता है ना, उसे अजीब लगता है, बट सारे लोग नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे। बट भूषण को पता था कि उसका भाई कैसा है करके, वो ऐसे कभी बात नहीं करता इतना ज़्यादा सीरियस होके। जहाँ पे भूषण आता भी है और अपने भाई के हाथ पकड़ता है और कहता है विंग क्या हुआ है तुम्हें। जहाँ पे विंग अपने भाई को देखता है और कहता है कुछ भी तो नहीं। जहाँ पे भूषण कहते हैं विंग तुम इतने ज़्यादा सीरियस क्यों लग रहे हो। जहाँ पे हमारा विंग अपने हाथों को छुड़वाता है और कहता है भाई आपने तो कहा था कि लाइफ में सीरियस होना चाहिए, तो मैं सीरियस हो रहा हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग अपने हाथ को छुड़वा के जो ना भाई से कहता है कि जाइए बैठ जाइए, ऐसे कहता है। और जो है ना सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, सभी लोग बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि लांसान और वांगजी वो शायद सभी लोग, बट हमारा विंग जो ना साइलेंट था, चुपचाप से जो ना अपना खाना फिनिश करता है।